बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेहतर से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं हसीब कुक हाउस। आज मैं बनाने लगा हूँ चना पुलाव इसलिए क्योंकि आज आपको पता है 10 मुहर्रम है और इस जिसकी वजह से नियाज मनानी है और नियाज में हम चना पुलाव बना रहे हैं। मैंने कहा आपके साथ साथ मैं शेयर भी कर दूँ, रैंडम सी वीडियो बनाऊँगा और जो आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने चना पुलाव के लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ। मैंने 7 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, वो काट लिए हैं। 4 मैंने टमाटर लिए हैं और उसके बाद मैंने 4 ग्रीन चिली लिए हैं और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है, लिम्बू का रस, उसके बाद कुछ मसाला जात में नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला मैंने लिया है बस। उसके बाद लिम्बू के 2 मैंने लिए हैं, उसके बाद उसके मैंने 4 कलर जो है वो लिए येलो में, उसके बाद चने, ठीक है, और उसके बाद अचार ये मैंने ले लिए। और अब मैं अपने नियाज के जो तैयारी करता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑयल मैंने ले लिया, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी किचन में तो इसलिए मैं किचन में नहीं बना सका और क्योंकि रोज़ा भी है तो रोज़े की हालत में मैं ये नियाज की तैयारी कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए अपने हबीब के सदक़े और पाक के सदक़े। ऑयल हमारा गर्म हो गया जी, अब मैं इसमें ये ऐड कर दूँगा प्याज, प्याज को थोड़ा सा मैं ब्राउन करूँगा, इतना ज़्यादा मेरे पास हल्का सा ही और दुआ करें टाइम से ये माई दुआ जो है मांगी जाए। मैं ये माई टाइम से ट्रैवल करने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं यही इंतज़ार करता रहा हूँ कि थोड़ा सा मौसम ठीक हो, किचन में खड़ा हुआ जाए, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता वो भी इतनी गर्मी में, तो मैंने कहा चलिए बाइक सारा चेकअप कर लेता हूँ। ये प्याज अब इसको मैं ब्राउन होने तक का इंतज़ार करूँ, थोड़ा सा ब्राउन। अब मैं इसमें जो है लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है जी, ताकि ये महाराज जल्दी से जो है तैयार हो जाए। प्याज जितना मैं कह रहा था लाइट ब्राउन हो उतना हो गया जी, देख रहे हैं आप, मैं इसमें टमाटर जो है वो ऐड कर दूंगा। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, अल्लाह ताला अपनी बरगाह में इसको कबूल करवाए। इंसान को जितनी साथ हो उसके मुताबिक आपकी भी जितनी साथ है उसके मुताबिक आप भी नियाज ज़रूर तैयार किया करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी सारी देव हो तो उसका भी आपकी नियाज जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, बड़ी देव चीज़ होनी चाहिए। जितनी आपकी तौफीक है उसके मुताबिक आप ज़रूर नियाज का इस्तेमाल करें, तो मैंने तो अपने इंसाज के मुताबिक किया। आप इसके इवन कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं 10 रुपये की कोई चीज़ लेकर आप दुआ मांग सकते हैं, और क्योंकि तमाम चीज़ों का दारो मदार नीयत पर होता है, इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए और नीयत के साथ इंसान अपने हर काम करे, अल्लाह ताला उसको कबूल व मंजूर फरमाता है। ये नहीं है लोगों के दिखावे के लिए इंसान अब अपने काम शुरू करते, दिखावा ना हो इस चीज़ में, और यकीन करें कि ये रोज़ा रख के इतनी गर्मी में भी अगर आप ये मैं नियाज ये तैयार कर रहा हूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स बताता हूँ कि इतना अच्छा लग रहा है, ज़रा भी मुझे रोज़ा नहीं लग रहा कि मैं ये चीज़ तैयार कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ें ना तैयार करता तो शायद मुझे रोज़ा लगता, लेकिन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब जैसे बार अवेलेबल होती है तब भी मैं इसी तरह नियाज तैयार करता हूँ, और फिर उसके बाद कोई भी इस तरह की कोई ऐसा हो मुझे नियाज तैयार करनी पड़े तो मैं ज़रूर करता हूँ, कर ज़्यादा ना कर सकूँ थोड़ी सी मैं ज़रूर तैयार करके दुआ ज़रूर मांग देता हूँ। अब मैं इसमें जो है वो ग्रीन चिली वो ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी, जितना मैंने इसमें ऐड कर दी है
तो माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और कलर भी ये देखें अभी बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी मैंने दो तीन ही चीज़ें भी ऐड की हैं माशाल्लाह। रोज़ा है, रोज़े में आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि आदत डालनी चाहिए कि रोज़े की, और बचपन से ही जैसे कि मेरी अम्मी अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, तो मुझे बचपन में ही उन्होंने आदत डाल दी थी रोज़ा रखने की, और उनकी डेथ के बाद आज दिन तक मैंने कोई भी रोज़ा मिस नहीं किया। अब मैं इसमें कुछ मसाला जात जो हैं वो ऐड कर देता हूँ जी। इसमें मैंने धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और उसके बाद नमक, ये मैंने सिर्फ चीज़ें ऐड की हैं, गरम मसाला, ठीक है। मैंने 3.5 किलो चावल लिए हैं जी, तो उसमें अब ये मसाला जो हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें जो है वो पानी ऐड करूँगा, चने इसे ही नहीं मैं ऐड करूँगा, वो मैंने पहले से उबाल कर रखे हुए हैं, तो ये ना हो वो ज़्यादा मतलब कि वो डालूँ तो वो टूट ना जाए, इस वजह से मैं वो चने जो है वो बाद में ऐड करूँगा, चावल डाल चुकूँगा उसके बाद। तो अभी मैं पानी जो है वो ऐड कर देता हूँ, 3.5 किलो चावल है तो ये मैंने उसके मुताबिक पानी जो है वो मैं डाल दूँ, ठीक है जी। हमारे चावलों को जो है ये पानी को उबाल आ गया, अब मैं इसमें चावल जो है वो ऐड करूँगा जी, ठीक है। चावल इसमें मैंने ऐड कर दिया, अब मैं इसमें ये देखिए हमारे चावल जो है इनमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, अब मैं इसमें जो है ये चने जो है वो ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। चने ऐड करके मैं हल्के हाथ से ये चम्मच चलाऊंगा ताकि ये हमारे चने जो है चावलों में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं इसमें डालने की, इस लेट डालने की रीज़न ये भी होती है कि आपके चने जो है अगर ज़्यादा उबले हों तो फिर इसमें ख़राब नहीं होते, ठीक है जी। ये हमारे चने इसमें हमने ऐड कर दिए हैं, अब साथ में हम नींबू का रस जो है वो ऐड करेंगे इसमें, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगा, ठीक हो गया। इसमें जो थोड़ा थोड़ा पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए, फिर इसमें मैं फूड कलर जो है वो ऐड करूँगा। अब मैं इसमें फूड कलर जो है वो ऐड करूँगा जी, ठीक है। थोड़ा सा इधर डाल दूँगा, ठीक हो गया। थोड़ा सा इधर ऐड कर दूँगा, ये बेस्ट टाइम होता है फूड कलर ऐड करने का, ठीक है जी। ये मैंने इसमें फूड कलर जो है वो ऐड कर दिया, ज़्यादा नहीं करूँगा, ये ना सारे येलो येलो हो जाए। और अब मैं इसमें अच्छा जो है वो ऐड कर दूँगा, ठीक हो गया। अच्छा टेस्ट आ जाता है अचार से। और मैं चावलों को दम पर लगा दूंगा, ठीक है जी। दम उठा के दुआ की चीज़ें और फिर रेडी करके मैं आपसे बात करता हूँ। तो चावल अब हम दम से उठाने लगे हैं, दुआ भी मांगनी है, तो अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए जी। ये तकरीब से देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रंग आ रहे हैं, खुशबू भी बहुत माशाल्लाह प्यारी आ रही है, करीब से दिखाएं। अब चावलों को अच्छे तरीके से थोड़े मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। ये माशाल्लाह हमारे चावल जो है मज़ेदार से तैयार हो गए हैं, ठीक है जी। अल्लाह पाक हर किसी की मुश्किलें दूर करे, आसानी पैदा करे, कोई भी मेरा बहन भाई अगर मुसीबत परेशानी में, अल्लाह ताला आज की दुआ के सदके उनकी तमाम परेशानियां मुश्किलात दूर करे,
मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखूंगा। उम्मीद है कि आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। अब मैं प्लेट में निकाल लेता हूँ।